ए माय ब्यूटीफुल सखियों, तो व्लॉग कल जहाँ छोड़ा था वहीं से ही स्टार्ट करते हैं आज का। और जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो के लास्ट में पार्ट वन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोगों के पास एक चश्मे नहीं है और यहाँ देखो एक दो, इसमें चश्मे हैं भी है, खाली है सारे तीन सब में। अरे भैया ये तुम्हें कंपनी वालों ने वो कैलिब्रेशन करवा रहे ठीक है किसी को है तुम्हारी कैलिब्रेशन है रखी। माय गॉड किसी को चश्मे है, किसी को चश्मे चाहिए तो मैं ट्राई कर करके देखूँ सब। प्रमोद जी ने आपके जीजू ने स्पेशल पंप फोड़ा एकदम रात को और बेंगलोर से आए थे ना तुम कल ही परसों रात को कल शाम को प्रमोद आए हैं और रात को हम लाइट बंद करके सो भी गए थे। माँ बेटा वीडियो को लाई कि दीदी क्या कर रहे हो, मैंने कहा सो रही हूँ, कपड़े पैक कर लो सुबह जाना है। तो देखो इसीलिए ना इतने शॉर्ट नोटिस पे ना कोई कपड़े खरीदे मैंने तो पता है जो उठाया बस ऐसे बैग में डाल दिया है। तो आप तो मुझे ऐसी 3-4 दिन का प्लान है हमारा देहरादून का और बम फोड़ा है तो हम ऐसे निकल पड़े हैं। और ले जा रहे हो वैसे लच्छीवाला और वैसे प्लानिंग क्या करी है तुमने बर्फ में जाने की? हाँ क्योंकि देखो मौसम बहुत अच्छा है और इस टाइम पे आइस मिल सकती है तो हम मसूरी के पूरे पूरे प्लान से आए हैं। और 25th को हमारा रिटर्न है तो अभी बहुत टाइम है हमारे पास। और अभी गाड़ी चलाते हुए प्रमोद को बहुत ज्यादा फॉग का सामना करना पड़ा है। नहीं और मंजू बिस्ट चालू मंजू बिस्ट बोल रही थी लगता है कुछ ठीक नहीं है वीडियो। मैंने पढ़ा था वाला कि अब ये बताओ प्रमोद शालू दीदी और प्रमोद जीजू का सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मंजू, बस हम लोग थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहे थे ना ईयर एंड में इस वजह से अभी हम लोग फ्री हो गए। और सबसे बड़ी बात है इतनी ठंड है कौन निकल रहा है घर पे और कौन मार्केट जा रहा है भाई कोई नहीं जाता। तो और हम लोग तो हम अपनी दोनों हम पूरी पूरी छुट्टियों में बिस्तर के अंदर कि यार बाहर जाने की भी रूम से बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। तो भाई सुसु नहीं किया जाता बिस्तर से कंबल से निकल के सुसु नहीं की जाती हो भैया तुम वीडियो बना रहे हो हम लोग कैसे तैसे। तो सब ठीक होता है अगर कोई नहीं आता वीडियो में तो बस बिजी रहते हैं और कुछ बात नहीं होती है और थोड़ी एक्साइटमेंट भी तो बनी रहनी चाहिए। और क्या तड़पाते हम देखना चाहते हैं कि भाई जीजू की सालियां। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, अब बहुत बातें कर ली हैं कैमरे में 2:55 हो चुके हैं टाइम नहीं वैसा वाला टाइम, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आप फॉग को देख ही सकते हैं कितनी जबरदस्त धुंध है और गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, इतना संभल संभल के प्रमोद गाड़ी चला रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, देख ही सकते हैं आप। तो आप मुझे बताइए ये क्या है, कौन कौन जानता है प्लीज कमेंट करना ठीक है क्या है ये मुझे। हे गाइस तो देखिए 9 बज रहे हैं और सूरज देवता तो चांद जैसे लग रहे हैं ठंडे ठंडे। हाँ ये देखो कहीं नाम निशान नहीं सूरज का और मुझे वहां मंदिर भी दिख रहा है। जे 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 और प्रमो हालत कैसी हो रही की टोपी पहन के पूरा धारीदार बनाओ प्रमोद। हे गाइस तो हम यहाँ ब्रेक के लिए रुके हैं क्योंकि मम्मी को हो गई है बहुत ज्यादा गैस, गाड़ी बंद होने की वजह से हीटर चल रहा था तो मम्मी को हो गई थोड़ी सी गैस और मम्मी गई है थोड़ा सा वॉमिट वॉमिट करने। ओ अमेजोन से फोन आ रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नीचे वाले हाउस में दे दीजिए भैया, नीचे वाला हाउस है ना गेट वाला इसको दो ठीक है वहाँ दे दीजिए। तो मम्मी को हो गई है वॉमिट क्योंकि गैस हो गई है बहुत ज्यादा और बस हम पहुंचने वाले हैं। करो यार 1 घंटा और 22 मिनट 1 घंटा और 22 मिनट हाँ 1 घंटा 22 मिनट और अब आपसे घर में ही मिलेंगे घर पे ही मिलेंगे। चलो घर में मिलेंगे। एंड हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और हरिद्वार आके गंगा जी के दर्शन ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तो शालू ने कहा कि दीदी चलो घाट में उतरते हैं और गंगा जी को प्रणाम करके फिर घर की तरफ चलते हैं। पावन धाम पावन है। अच्छा पावन धाम घाट तो हाँ के पावन धाम। क्यों जय गंगा मैया के दर्शन कराते हैं आपको सुबह सुबह। बोलो जय गंगा मैया। दिखा चलो 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 चलो
तो चलो सखियो, फाइनली हम घर पहुंच गए बड़ी मम्मी डैडी के पास। तो बड़ी मम्मी डैडी को जो नहीं जानते हैं वो प्लीज मुंबई वाला व्लॉग देखें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मम्मी डैडी कौन है। तो भैया चलो चलो जल्दी से, सामने खड़े हैं डैडी और अब मिला जाए उनसे। नहीं मैं नहीं आप ठीक हो? तरस गए लोग आपको देखने के लिए बड़े डैडी। को मैं करूंगा, सदा खुश रहो। मैं आपके जो भाई है ना, हाँ। उनके जो आपके जो बहन है उनके पति के साथ काम करती है। ये रहा आपका पति। मेरा पति नहीं है वो, मैं ये नहीं हूँ। ये हमेशा शालू और मेरी शक्ल में कंफ्यूज हो जाता है। फुपुगो दिनचू, ये मेरी बड़ी दीदी सिम्मी। तू क्या क्या कर रही है? हैं? और ये क्या बनाने जा रही है हमारे लिए? ये स्वागत के लिए। ये हमारा स्वागत। फूलों से क्या जा रहा है हमारा स्वागत? अरे ये तो सरप्राइज हो गया भाई। तू कहाँ आ गई हो? तू कहाँ आ गई हो? तरस गए आपको देखने के लिए ये लोग भी। हाँ हाय तो बोलो। हाय बाय। मेरा बच्चा कैसे बड़े मम्मी? हाँ बच्ची तू तो अटक गया यार, मेरे हाथ में अटक गया कहीं पे। हाँ मेरे भाउजू का है। देखो हम सब भाउजू ढोक दिन चू। ये देखो खाने की प्रिपरेशन हो रही है ना हमारे लिए पहली। ये देखो कौन सा अच्छा, क्या हमारे में आया? और क्या क्या बना रहे हो? राजमा। वेरी गुड। और वो देखो खाना रेडी। चलो जा। ये देखो चटनी दिखा, चटनी दिखा। ये एक एक प्लेट ही हम देहरादून में इतना मिलता है एक प्लेट में। हमला हो चुका है मोमोज का। चाय पका मम्मा, रुक जाओ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब प्रमोद खाएंगे जो लोगों के मुंह से पानी निकले। प्रमोद को मोमो पसंद नहीं है लग रहा। ये देखो देसी दवाई लगाई जा रही है चोट पे। इंडियन बैंडेज है ये, इंडियन बैंडेज लग रहा है ना जा। अरे जमीन में बैठो आराम से, पालती मार गए। मोमोज जो मेरे को सीमा दीदी ने खिलाने वो अलग से है। ठीक
देखिए इस तरह से पीने जाते हैं घरेलू स्वेटर। कौन सा स्वेटर पहन रहे हो दिखाओ। अंधेरे में हाँ अब हाँ अच्छा अच्छा डिजाइन बहुत। और ये मेरी बड़ी दीदी हैं, मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी हैं और इन्हीं से प्रेरित होकर मैंने एक स्वेटर बनाया था, वो जो मैंने आपको दिखाया ब्लॉग में पूरा नहीं करा। नहीं वो पूरा हो गया, बस लोगों को पसंद आ गया मेरा स्वेटर पूरा हो गया। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और बनाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत सारी ब्लॉगिंग करती है आपके लिए, इसको एडिट करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक देना, कल लाइक बोल वीडियो को लाइक देना ना। ए लाइक आज लाइक आई तेरे मुंडी तोड़ देने छू ऐसे बोल के देख पार्थ को बुलाओ, बोले पार्थ ने पार्थ तो बहुत बंदी है, बोल लाइक दे दो, लाइक दे दो। ए भिखारी जैसे ना मांग, लाइक दे दो। ए बाबा लाइक दे, 15 रुपए में आईब्रो। तेल ले लेना मेरा 15 नहीं। तो मैं सस्ता कर रही थी। हे गाइस, तो यहाँ मैं बना रही हूँ हमारी मौसी की आईब्रो। इसके बाद बनाई थी मैंने भाभी की आईब्रो, क्योंकि इन लोगों को कहीं जाना था। और जी हाँ, मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है और मैं बना लेती हूँ आईब्रो वगैरह एंड फेशियल वगैरह कर देती हूँ इन सब का। तो चलिए यहीं एंड करते हैं आज के ब्लॉग का, टू बी कंटिन्यूड रखते हैं, कल एक नए दिन के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो, मेरी फैमिली अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हंसी आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देके जाना एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे। होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ ब्लॉग, लव यू ऑल।